चुनाव जो है एक मिनट बोलने दीजिए, देखिए सब गड़बड़ सड़बड़ हुआ है, सब उल्टा पलटा सब, इसी तरह हरवाओ। कौन हरवा रहा था आपको? आपके ही जिला प्रशासन हरवा रहा है, जिला प्रशासन और क्या, काउंटिंग जो है सब इधर का बक्सा उधर का इधर इधर से ऐसे। मेरे पास सुनिए, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुक जाइए, कोई मतलब ही नहीं रहा काउंटिंग का, तो इसकी शिकायत आप अभी मैं कर दिया शिकायत। अरे मंत्री जी, मंत्री जी का ये शहर है, आप कैसे कह सकते प्रशासन आपके साथ गड़बड़ कर रही है? मंत्री जी थोड़ा यहाँ पे है, भाजपा की सरकार में ऐसे गड़बड़ कैसे हो गया? बड़ा रोल था उनका, फिर हराने में भी उन्हीं का रोल है, उनका रोल नहीं हराने में, रोल भाजपा की सरकार में भाजपा प्रत्याशी परेशान। काम नहीं किया क्या? क्या एके शर्मा की मेहनत काम नहीं आई क्या? मेहनत की बात नहीं है, यहाँ जो है सब शुरू से जो है प्रशासन जो है लगा था इसी तरह जो हरा राजेंद्र प्रसाद एजेंट था, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 आठ बूथ थे मेरे पास, मैं अकेला एजेंट था अपने बूथ पे, हर टेबल पे एजेंट था, मैं देख रहा था। जब मैं पांचवें बूथ का खुला, उसके बाद जब मैं छठवां का बक्सा ना पहुंचा, तो जैसे मान लीजिए क्या नाम है 48 का आ गया, जबकि वहाँ पे 47 का होना चाहिए, 49 का आ गया, 50 मतलब। और मेरे एजेंट जैसे कहीं पे 5 बूथ था, कहीं पे 8 बूथ था, कहीं पे 7 बूथ था, तो मेरे एजेंट चले गए गिनती करवा करके, मैं बचा था वहाँ पे, मैं वहाँ पर देखा जो मेरे 8 बक्से हैं दूसरे टेबल पर चले गए, जबकि 3 टेबल तीन अभी बक्से आने बाकी थे, तब तक काउंटिंग खत्म कर दी। तो ये गलत हुआ, हमारे एजेंट चले गए तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके साथ खेला हो गया, एजेंट हमारे चले गए, हमारी गिनती करवा, जैसे 5 बूथ की गिनती करवा के उनको बताना चाहिए था, मैं यही सरकार में कैसे गलत हो गया? थोड़ा सा नीचे कर दो यार, आईडी काटने में काम आएगा, नहीं तो आईडी लगाना है। आपकी सरकार में आपकी सरकार कैसे सरकार की बात नहीं है यहाँ पे नहीं तो किसको इसमें किसको नहीं एक मिनट रुक जाइए ना एक मिनट। हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे आपकी सरकार थी और चुनाव में बहुत शिद्दत से मंत्री जी यहाँ लगे हुए थे, 8 दिनों तक कैंप किए आपके चुनाव में, एक मिनट भाई प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद भी आप सीधे सीधे आरोप जिला प्रशासन पे लगा रहे हैं, कुल मिलाकर भाजपा पे लगा रहे हैं। काउंटिंग फिर से होनी चाहिए, आप रिकाउंटिंग की मांग करते हैं, आप रिकाउंटिंग की मांग करते हैं, आप लिख सकते हैं रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं, रिकाउंटिंग होनी चाहिए। नहीं, लेकिन वोटों का जो अंतर है, अंतराल तो बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, वो हो जाएगा, रिकाउंटिंग में हो जाएगा। क्या लग रहा है, बसपा के उम्मीदवार प्रशासन से मिले हैं क्या? बसपा के उम्मीदवार प्रशासन से मिले हैं क्या? उनको जीता है भाई।